आज मैं इम्प्लीमेंट करूंगा एडमिन का पोर्टल, राइट। आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक एडमिन का लॉगिन पेज बना लेते हैं, दो पेज हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, एक एडमिन का लॉगिन पेज है .php, एक पेज मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे, एडमिन होम पेज, न्यू एडमिन होम, ठीक है, एडमिन लॉगिन एंड एडमिन होम पेज। लॉगिन पेज में मैं क्रेडेंशियल्स कॉमन रख लूंगा, ठीक है, मैं कोई भी डेटाबेस का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो डेटाबेस का यूज कर सकते हैं, उसमें भी आप एडमिन रजिस्ट्रेशन पेज बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे डेटाबेस में जाइए, एक टेबल क्रिएट करिए एडमिन लॉगिन के नाम से, डायरेक्ट टू आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के डायरेक्ट क्रेडेंशियल्स मैच करा के करा सकते हैं। मैं सीधे वैल्यू पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे पीएचपी कोड लिखा, मैं डिजाइन कर लेता हूँ लॉगिन पेज, एक बार हेडर फुटर अटैच कर दीजिए, ठीक है, एक मिनट जरा मैं हेडर रन करा के देखूँ, नहीं ऊपर चलाना है, मैं फुटर वाला एक पेज जरा रन करा के देख लेता हूँ, कुछ मैंने चेंजेस किए थे वो रिफ्लेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, एक मिनट रुकिएगा। चेंज है थोड़ा सा, हेडर वन के नाम से एक पेज है हमारी फाइल है, एक फुटर वन के नाम से, मैं हेडर फुटर चेंज कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके अपने फोल्डर में मैं पेस्ट कर लेता हूँ, दैट इज सी ड्राइव वैम सर्वर ट्रिपल डब्लू देन वैप डेमो डेमो 9, ठीक है, इमेजेस में आके ये जो दो हेडर फुटर लगे थे इनको मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी जगह मैं नए वाले पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फाइलें मैं यहाँ पे दूसरी कॉल कर देता हूँ जो मैंने नई बनाई है फाइलें, ओके, एंड ये फुटर था, इधर फुटर करना है, यहाँ से मैंने फुटर कॉपी कर लिया, ठीक है, ओके, पेस्ट, और हेडर वाले सेक्शन में मैंने हेडर कॉपी कर दिया, यहाँ से मैंने हेडर कॉपी कर लिया, ओके, सेव, ठीक, इसमें लिखा है डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय प्रोटेक एंड हेडर पे मैंने लिख दिया है www.protecedu.com, ठीक है, ओनली इतना ही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिन लॉग इन पेज पे, इधर हेडर यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने कॉल किया इंक्लूड सिंगल कोट्स, इंक्लूड सिंगल कोट्स हेडर डॉट पीएचपी पेज, ठीक है, डेटाबेस वाला यहाँ पे कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मुझे सेशन बनाना है, तो सेशन को आपको पता है स्टार्ट करना पड़ता है, जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं काम करेगा, फिर यहाँ पर मैं फुटर लगा देता हूँ PHP, मैंने यहाँ पे कॉल किया एस इंक्लूड सिंगल कोट्स फुटर डॉट PHP, ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन पेज जो मैंने डिज़ाइन किया था लॉगिन का पेज है ना, उसी पेज से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डेटा, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म पूरा डेटा मैंने कॉपी कर लिया और एडमिन होम पे जाके एडमिन लॉगिन पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहीं पे डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, मैंने डिज़ाइन स्पेसिफिक नहीं किया, एंटर योर यूज़र नेम रिक्वायर्ड सारी चीज़ें लगी हैं, फॉरगेट पासवर्ड मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इस पूरी लाइन को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो कर लेंगे, बट फिर उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पेज बनाना पड़ेगा एडमिन का, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग पेन कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, सीधे PHP कोड लिख लेते हैं, मैंने यहीं पर लिखा इफ, आप सीधे कोड लिख सकते हैं वेरिएबल्स पे ना निकाले तब भी आप लिख सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर गेट ब्रैकेट में T1 इज इक्वल टू, अगर T1 इज इक्वल टू एडमिन है एंड क्लोज डॉलर अंडरस्कोर गेट आपका
T2 इज इक्वल टू एडमिन 123 है, यानी दोनों के मैंने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे फिक्स कर दिए, 123 एट द रेट है। तो मैंने यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, बोथ साइड कंडीशन ट्रू होगी, हाँ मैंने पोस्ट इसमें लिखा है तो मैं पोस्ट लिखूँगा यहाँ पे, पोस्ट यहाँ पे पोस्ट करेंगे। और ये कोड आपका तभी एक्टिव हो जब आप बटन पे क्लिक करें, ठीक है। इनसेट फंक्शन यहाँ यूज़ करेंगे, डॉलर पोस्ट ब्रैकेट में डबल कोट्स में B1, जब इस पर क्लिक करेंगे तभी एक्शन परफॉर्म हो, अदरवाइज नाउ, वरना इंडेक्स की एरर जनरेट करता है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहीं पे सेशन क्रिएट करा, मैंने यहीं पे सेशन क्रिएट किया,